बाकी मैं आपको बता दूं, हवा बहुत चल रही है तो आवाज़ थोड़ा सा इशू रहेगा, मेरा वॉइस इशूज रहेगा। और फिलहाल आप नज़ारों का आनंद लीजिए। सो मैं आया हूँ सामने वाले पहाड़ से, इधर मार्केट के बीच से, जो अभी मार्केट आप देख रहे थे, एंड मुझे जाना है ऊपर आगे ऋषिकेश। तो गाइज़ अभी मैं पहुंचा हूं तीन धारा में, यहां पे हम खाने के लिए रुके हुए हैं। यहां से ये गंगा नदी बहती हुई और ये जाएगी आगे ऋषिकेश। ये ऐसे आई है गोल 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 घूम के ऐसे, तो पहाड़ों के नज़ारे देखो आप। तो यहां मतलब ये रोड पहले तो नदी के साथ साथ बहता है, फिर यहां ये एरिया जो है देवप्रयाग के बाद ये हाइट पकड़ लेता है, तो नदी में थोड़ा गैप बन जाता है, तो नदी काफी दूर दिखाई देती है। खाने में मैंने ऑर्डर किया है ये कुछ पनीर, रायता, दाल, कड़ी, सब्जी, चटनी एंड ऑल, और ये कुछ मीठा भी। तो गाइस सामने जो आपको ये शॉप्स वगैरह ये मतलब बने हुए दुकानें दिख रही हैं, तो इस ही जगह का नाम तीन धारा है। आप देवप्रयाग से वापस दिल्ली की ओर आते हो तो देवप्रयाग से जस्ट 9-10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ही ये पड़ता है। सो गाइस खाना खा के हो गया, अब निकलते हैं तीन धारा से, चलते हैं थोड़ा आगे। इसके बाद आएगा ब्यासी एंड ब्यासी के बाद आएगा ऋषिकेश। तो अभी दिल्ली दूर है।
गाइस ये पत्थरों की डिजाइन देख रहे हो, बड़ी यूनिक सी कटिंग, बहुत सही लग रही है यार, ये अलग सी एकदम यूनिक सी डिजाइन लग रही है इसकी। तो आई एम इन ब्यासी राइट नाउ, मेरे पीछे जो मार्केट है ना ब्यासी का, मैं हूँ ऋषिकेश में, ये आर्मी हेलीकॉप्टर उड़ते हुए, तो गाइज अभी मैं पहुंचा हूँ शिवपुरी, नज़ारे कुछ ऐसे हैं, सामने गंगा और ये काइंड ऑफ ट्रिब्यूटरीज, और कुछ लोग नीचे नहा भी रहे हैं पर शायद वो कैमरे में नहीं दिख पा रहे, तो काफ़ी सुंदर नज़ारा है यहाँ का। और ये तपोवन होटल भी है सामने, सामने है ऋषिकेश का लक्ष्मण झूला और अभी मैं हूँ ऋषिकेश में। सो गाइस फाइनली आई एम इन ऋषिकेश, सामने लक्ष्मण झूला है एंड अभी मुझे आगे जाना है, तो आप नज़ारों का मज़ा लीजिए, चलिए चलते हैं।